जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है और आज हम बात करेंगे कि एक खूबसूरत बिल्डिंग के बारे में जो कि बनने जा रही है ई एलाउन के अंदर। सब लोकेशन मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी के रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हो अब तक आसानी से पहुँच सके। इस बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो F11 और E11 में इस वक्त जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनसे सबसे अच्छी बिल्डिंग बनने जा रही है और उसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ आपको दिए जाएंगे जो कि अभी मैं आपसे शेयर करूंगा। इससे पहले कि आप इस बिल्डिंग की लोकेशन की बात कर लें तो E11-2 सर्विसेज सोसाइटी में, E11-2 में जो कि सर्विसेज के जो सेक्टर है, मरकज़ है, उसमें डबल रोड कॉर्नर का प्लॉट इन्होंने लिया है जो कि वहाँ पर काम शुरू है। तकरीबन बेसमेंट तक उन्होंने काम शुरू भी कर दिया है। कॉर्नर का प्लॉट इनके पास, इनके आसपास सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, चाहे KFC हो, चाहे जितने भी और सारे ब्रांड्स हो, E11 में सब ब्रांड्स मौजूद है, बैंक्स वगैरह जितने भी हो। इस बिल्डिंग में जो फैसिलिटीज़ आपको अवेल करेंगे, सबसे पहले तो इस CDA से अप्रूव बिल्डिंग है। इस्लामाबाद में जितने भी प्रोजेक्ट हो सबसे पहले ये बात पूछा जाता है कि आया ये CDA से अप्रूव्ड है भी कि नहीं है। तो ये बिल्डिंग में ये सबसे खुशखबरी है कि ये CDA से अप्रूव्ड बिल्डिंग है। सेकंड पर ये है कि प्राइम लोकेशन है E11, आपको इस्लामाबाद के दरमियान में, हार्ट ऑफ इस्लामाबाद भी कह सकते हैं क्योंकि मेन इस्लामाबाद में ये E11 है जो कि एक अच्छी सोसाइटी, सर्विस सोसाइटी में है। और इसके जो ग्राउंड फ्लोर पर होंगे शॉप्स होंगे, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको हर चीज़ इसी प्लाजे के अंदर ही मिलेगी। उसमें जो है स्विमिंग पूल बनाने जा रहे हैं जो कि अब तक किसी भी F11 या E11 में ऐसे कोई भी बिल्डिंग नहीं है जिसमें स्विमिंग पूल उन्होंने बनाया हो। जिम यहाँ पर बनाकर देंगे आपको क्योंकि आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। 24 आवर्स इसकी सिक्योरिटी होगी, कैमराज इंस्टॉल होंगे इसके अंदर। ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप होगा। उसके बाद EV चार्जिंग जो है ना, फैसिलिटीज़ भी आपको देंगे बेसमेंट में, जो कि EV चार्जर्स अभी तक कोई भी, मैं आपको जैसे बताया कि ये वाहिद बिल्डिंग है जो इतनी फैसिलिटीज़ इस बिल्डिंग में बनाने जा रहे हैं, जो कि अभी F11 या E11 में ऐसी कोई भी बिल्डिंग नहीं है जिसमें इतनी फैसिलिटीज़ हो। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लग्जरी अपार्टमेंट है इसके। अगर आप अपार्टमेंट की बात कर लें, शॉप्स की बात कर लें, तो अभी जो है हम अपार्टमेंट की बात करें कि वहाँ पर कितने का पर स्क्वेयर फीट चल रहा है, जो कि अभी प्री लॉन्चिंग पर दे रहे हैं, अभी इन्होंने लॉन्चिंग नहीं की, काम शुरू है वहाँ पर, तो 18,000 पर स्क्वेयर फीट है, कुछ जो है 20,000 पर स्क्वेयर फीट है, कुछ 22,000 पर स्क्वेयर फीट है। स्क्रीन पर नंबर मैंशन है, आप रब्ता कर सकते हैं। बिल्डिंग की पिक्चर्स तो आपने देख ली होगी, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं E11-2 में। आइडियल लोकेशन है, आपको F11 F10 के 5 मिनट के ड्राइव पर है और डबल रोड के ऊपर है। ये नहीं कि किसी गलियों में बना रहे हैं या कोई गलत जगह पे बना रहे हैं, तो बिल्कुल मेन डबल रोड के ऊपर ये कॉर्नर का इनका प्लॉट है जो कि एक आइडियल लोकेशन है। और यहाँ पर सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो कि इस बिल्डिंग में भी आपको सब फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आपने लोकेशन भी समझ गए होंगे। E11-2 आप किसी से भी पूछ सकते हैं, गूगल पे भी देख सकते हैं, आप हमसे रابطہ कर हमसे भी पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पर बन रही है। तो स्क्रीन पर नंबर मैंशन है, आपने विज़िट करना हो तो आए, हम आपको विज़िट करवा देते हैं। इसके अलावा भी E11 में, F11 में, F10 में जितनी भी बिल्डिंगें बन रही है, जितनी भी बन चुकी है, जितने भी घर हैं, हम उसको सेल परचेज का काम करते हैं। तो किसी को भी कोई चीज़ चाहिए हो तो हमसे रابطہ कर सकते हैं। तब तक हम इजाज़त दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।